आपके स्टोर से सामान ग्राहक तक झटपट पहुंचाने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। वाणिज्य व्यय उद्योग मंत्रालय के उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक विश्व बाजार संगठन WTO के मिनिस्ट्रियल सम्मेलन में भारत किसानों को दिए जाने वाले MSP से कोई समझौता नहीं करेगा। दुनिया के विकसित देश भारत में किसानों के दिए जाने वाले MSP को लेकर सालों से आपत्ति जाहिर कर रहे हैं। वहीं 12 से 15 जून को जिनेवा में WTO के मिनिस्ट्रियल सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल भारत का नेतृत्व करेंगे। WTO की बैठक में रूस यूक्रेन युद्ध के मसले भी उठेंगे और भारत इस मामले में अपना संतुलित दृष्टिकोण रखेगा। बैठक में खाद्य सुरक्षा के मुद्दे भी उठाए जाएंगे। वहीं मंत्रालय सूत्रों के मुताबिक भारत विश्व खाद्य कार्यक्रम के तहत अनाज का निर्यात करने के लिए तैयार है, लेकिन भारत चाहता है कि जरूरतमंद देश की खाद्य सुरक्षा के लिए दो देशों के बीच सरकारी स्तर पर भी पब्लिक स्टॉक से अनाज निर्यात की इजाज़त दी जाए, क्योंकि WTO में अनाज के आयात की काफ़ी लंबी प्रक्रिया होती है और ज़रूरतमंद देश को समय पर मदद नहीं मिल पाती है। वहीं मंत्रालय के उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक भारत WTO की बैठक में वैक्सीन निर्माण के लिए पेमेंट में छूट के साथ तकनीक ट्रांसफर की बात को जोरदार तरीके से रखेगा, क्योंकि कोरोना के 2 साल के बाद भी विश्व के कई देश वैक्सीन के लिए विकसित देशों के मोहताज हैं। वहीं पेटेंट में छूट से विकसित देशों की कंपनियों के मुनाफे पर असर पड़ सकता है, इसलिए विकसित देश पेटेंट में छूट का समर्थन नहीं कर रहे हैं। मंत्रालय के उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक भारत WTO की बैठक में देश के मछुआरों के हितों से भी कोई समझौता नहीं करेगा। बैठक में वैश्विक स्तर पर मछुआरों को दी जाने वाली सब्सिडी को खत्म करने पर भी विचार होगा, लेकिन भारत अपने मछुआरों को दी जाने वाली मामूली सब्सिडी को फिलहाल खत्म करने के पक्ष में नहीं है। भारत का कहना है कि विकसित देश व कई अन्य देशों के मुकाबले भारत पहले से ही अपने मछुआरे को काफ़ी कम सब्सिडी देता है। ऐसे में भारत चाहेगा कि विकसित देश की सब्सिडी खत्म की जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स TV। आपके कारोबार के लिए फंड और लोन जुटाने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।